सुपरहिट फिल्म तानाजी को एक नहीं बल्कि तीन तीन नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। उसमें से एक अवार्ड जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भी मिला है नचिकेत बर्वे को, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद नचिकेत बर्वे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये जो पीरियड फिल्म है उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़। नमस्कार, सो नाइस टू बी हियर। नचिकेत जी, ये बताइए कि एक पीरियड फिल्म है, 400 साल पहले का कालखंड है जिसके लिए आपको कॉस्ट्यूम तैयार करने थे, शिवाजी से लेकर तानाजी और जो तमाम जो किले में जो तमाम लोग रहते थे और गांववासी थे उन सब के लिए कॉस्ट्यूम तैयार कर, कितना मुश्किल था आपके लिए और कितना आसान था, क्या इसके लिए रिसर्च किया आपने? यू नो, तानाजी द अनसंग वॉरियर ये बहुत स्पेशल फिल्म है बिकॉज इसकी जो टेकिंग है ये हमने बहुत रियलिस्टिक करना चाहते थे। जो हमारे डायरेक्टर साहब ओम राउत जी, उनको बहुत क्लियर आइडिया थी कि मुझे इसके लिए ऑथेंटिसिटी चाहिए लेकिन एक स्टाइल भी चाहिए। वहाँ पे जो है यू नो मेरा उनके साथ संबंध हुआ और हमने फिर डिसाइड किया कि ये फिल्म के लिए इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, प्लस इसकी बहुत जिम्मेदारी होती है बिकॉज आप जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए या तानाजी मालुसरे हुए, ये बहुत सेलिब्रेटेड हिस्टोरिक कैरेक्टर्स हैं, तो इनके साथ आप लाइटली स्क्रीन के ऊपर इनकी यू नो इनको पेश नहीं कर सकते बिकॉज इसके आगे जाके वही फिर टेम्पलेट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 2 साल का रिसर्च था। मैंने इंडिया में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, जैसे क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली का हुआ, मुंबई का यू नो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम हुआ, आपका हैदराबाद का सलार जंग म्यूजियम हुआ, अहमदाबाद कैलिको म्यूजियम, पुणे का केड़कर म्यूजियम हुआ, लंदन में विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूजियम करके है तो उनके पास भी कुछ मुगल आर्टिफैक्ट्स है। बहुत सारी जगह से रिसर्च करके जो कुछ फैमिलीज है जिनके पास पुराने टेक्सटाइल्स है उनके ऊपर रिसर्च हुई बिकॉज देखिए क्या है, वो टाइम ऐसा था कि आपके पास फोटोज़ नहीं है तो हम जो रिसर्च करेंगे वो पेंटिंग के ऊपर है, वो किसी के इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, सामने सामने तो कोई भी नहीं बता सकता कि ऐसा है। तो जो एक लोगों के दिल में इसके लिए एक आदर है उसको स्क्रीन पे कैसे उतारा जाए लेकिन सिनेमैटिकली ग्रैंड भी लगना चाहिए, ये दोनों का बैलेंस करने में काफ़ी रिसर्च की हम लोगों ने। कालखंड के जो लोग थे उनके जो वंशज हैं उनसे भी मुलाकात हुई, उनके लोगों से भी आपने मुलाकात की इस तरह के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए, जो डिटेलिंग है कॉस्ट्यूम की वो जानने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज अभी देखिए उसमें से जो 400 साल तो हो गए तो कुछ कुछ लोगों के पास फिर भी पुरानी साड़ियाँ थी तो उनके जाके फ़ोटो लिए हमने। इनफैक्ट जो आप गहने देखेंगे फिल्म में काजोल जी के ऊपर, वो हमने यू नो बाय लक हमको एक कोल्हापुर में एक ज्वेलर्स हैं जिनके वंशज शिवाजी महाराज के कोर्ट के लिए और उनकी फैमिली के लिए ज्वेलरी बनाते थे। तो हमने वो 400 साल पुराने मोल्ड्स लेके उनमें प्योर मेटल में यानी प्योर सोने में उनकी ज्वेलरी बनाई। 400 साल पुराने सांचे में आपने का इस्तेमाल किया ज्वेलरी बनाने के लिए, क्या बात है। टेक्सटाइल्स भी अगर आप देखेंगे कि यू नो तीन बेसिक रीजन्स है ये फिल्म में, एक तो मराठास है, दूसरे राजपूत है और तीसरे मुगल्स हैं, तो तीनों का जो रहन सहन के जो टाइप्स थे वो पूरे अलग थे। तो मराठास के लिए हम लोगों ने चंदेरी महेश्वरी पैठनी टेक्सटाइल्स हुए, काजोल जी के लिए धारवाड़ हुबड़ी बॉर्डर पे जो इरगल साड़ियाँ होती है जो पहना करते थे उनको हमने रिवाइव किया, जो डाइज है वो भी हमने नेचुरल डाइज में यूज़ किए, यानी जो वो टाइम पे तो केमिकल डाइज थे नहीं, तो मैरी गोल्ड यानी गेंदे के फूल का डाई बनता है, मैडर का डाई बनता है, इंडिगो बनता है, वो सारे डाइज यूज हुए। हमने जो मुगल्स हैं उनके लिए जो इंडिया और एशिया का सिल्क रूट था उसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की थी, तो जैसे इकत हुए सेंट्रल एशिया के, आपका जामदानी टेक्सटाइल्स हुई, आपकी बनारसी ब्रोकेड हुआ, ये सब का यूज़ किया है। जैसे औरंगजेब का भी जो कैरेक्टर है वो यू नो ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि पीरियड फिल्म यानी हेड टू टो सब जड़तर होना चाहिए, वो ज़रूरत नहीं होती। एक जो है वो कैरेक्टर और वो जो वर्ल्ड है उसके साथ आपको रियल रहना पड़ता है। तो औरंगजेब के लिए हम लोगों ने बहुत वाइट ऑन वाइट कपड़े दिए, प्योर गोल्ड और सिल्वर की जो जरी बनी वो यूज़ हुई। शिवाजी महाराज के कॉस्ट्यूम के लिए बिकॉज वो एक ही मराठास में है कि जो रूलर दिखाए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा जो एक यू नो जो ज़्यादा एक ऑप्युलेंस आना चाहिए वो उनके इसमें लेकिन अंडरस्टेटेड था। अजय जी के लिए भी जो मैं वही सवाल पूछना, अजय जी के लिए जो कॉस्ट्यूम बनाए हैं, जो लीड रोल उन्होंने किया है तानाजी का, उनके कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताइए, उस पर ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत पड़ी होगी आपको डिटेलिंग के लिए? बिल्कुल, बिकॉज क्या है कि अजय जी का जो कैरेक्टर है मराठा वॉरियर का, वो वॉरियर है, वो रॉयल नहीं है, तो उनके लिए जो एक सन ऑफ द सॉइल का जो फील होता है, जो एक रस्टिक हम जो बोलते हैं, तो हमने बहुत सारा हैंडस्पन खादी यूज़ किया, हमने बहुत सारा हैंडस्पन कॉटन यूज़ किया, उसमें जो गेरू का कलर होता है उसका एक्सेंट दिया, इनफैक्ट जो उनका आर्मर है वो भी हम लोगों ने स्पेशली आर्टिजन से बनवाया था,
और उनके लिए अजय जी के लिए उन्होंने पीरियड फिल्म्स किए हैं लेकिन इतना एलैबोरेट कॉस्ट्यूम उन्होंने नहीं किया है, प्लस ये एक्शन फिल्म थी तो उसमें एक्टर्स को ना केवल अच्छा दिखना है, परफॉर्म करना है, लेकिन स्टंट्स भी करने हैं। तो रिगिंग हुई, हार्नेसिंग हुई, उनको यू नो शूज ऐसे चाहिए कि जो ऑथेंटिक हो लेकिन उसमें वो एक्शन कर पाए यू नो विद कम्फर्ट, नाजुक ना हो कि टूट जाए, टूट नहीं जाए, चुभे नहीं, काटे नहीं, तो यू नो वो जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स है वो भी दिमाग में रहने पड़ते हैं उसके। ये बताइए कि जब नेशनल अवार्ड मिला तो ओम राउत से बात हुई होगी, अजय देवगन से बात हुई होगी, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया दोनों ने आपको? इनफैक्ट ओम जी का ही मुझे पहले फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेट्स, सो आई सेड फॉर व्हाट, तो उन्होंने बोला कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है, सो यू नो इट वाज ही वाज द बेरर ऑफ गुड न्यूज़। अच्छा, और अजय जी साथ भी मेरी बात हुई है, नो कॉम्प्लीमेंट तो उन्होंने कहा अजय ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, वो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है, लेकिन उनका जो अप्रिसिएशन है और उनका जो फुल सपोर्ट है ये पूरी फिल्मिंग के टाइम पे एविडेंट था सब चीज़ों में। और ना वो बहुत बोलते नहीं लेकिन वो बोलते हैं, वो बहुत मतलब की बात बोलते हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे गुड वर्क करके बोला यू नो, यानी उनके लिए उतना कॉम्प्लीमेंट भी यू नो इज हार्ट फेल्ट। एंड ओम राउत जी है यू नो उनका एक तो क्रिएटिव जीनियस है वो यू नो इन टर्म्स ऑफ हिज विजन, एंड उन्होंने बहुत और फुल सपोर्ट दिया मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए। बिकॉज देखिए जैसे ये फिल्म बनती है, ये कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के ही टोटल आप समझिए तो सैकड़ों लोग हैं, मैं हूँ, सेकेंडरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, की कॉस्ट्यूमर है हमारे, असिस्टेंट डिज़ाइनर्स है, आर्टिजन्स है, ड्रेसमैन है, हमने जो फिल्म में सारी पगड़ियाँ साड़ियाँ की वो सारी ड्रेप की थी, वो प्री स्टिच नहीं थी, तो हर दिन एक्टर के ऊपर पगड़ी मास्टर आके इसको यू नो ड्रेप करते थे, पगड़ी को, काजोल जी की साड़ियाँ, सबकी साड़ियाँ एक्चुअली मास्टर ड्रेपर ड्रेप करते थे, नौवारी साड़ी जो मैंने, बाकी एम्ब्रॉयडर्स हुए, वीवर्स हुए, ज्वेलरी एक्सपर्ट्स हुए, ये सारे लोग जो है ये सैकड़ों लोग हैं। और जब ये अवार्ड जब एक मिलता है ना, ये मैं उनके सबके बिहाफ के ऊपर है ये अवार्ड, बिकॉज वो उनके बिना तो ये फिल्म बन नहीं सकती। कितने लोगों ने आपके साथ काम किया इसके कॉस्ट्यूम तैयार कर, कॉस्ट्यूम सब पकड़ के राइट फ्रॉम कपड़े वाले से लेके पकड़ के आप अगर पकड़ेंगे तो हजार लोग तो हुए होंगे, हजार लोगों ने काम किया है कॉस्ट्यूम के लिए, और तब जाकर वो मेहनत साकार हुई है पर्दे पर, और तब जाकर आपको ये नेशनल अवार्ड मिला है। और पहली हिंदी फिल्म है आपकी, इससे पहले आप दो मराठी फिल्म मी काशीनाथ घाणेकर और कत्यार कालजीत घुसली, ये दो फिल्में आपने की हैं और ये पहली हिंदी फिल्म है, पहली हिंदी फिल्म में ही आपने नेशनल अवार्ड झटक लिया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक यू नो मेरा एक ऑनेस्टली बिलीफ है कि जैसे गीता में कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, आप खाली आपका काम कर सकते हैं। मुझे एक, मैं NID में पढ़ा हुआ अहमदाबाद में, और वहाँ पर मुझे एक टीचर ने बताया था कि आप आपका बेस्ट काम करते हैं जब वो मेडिटेशन की तरह रहते हैं, यानी आप सिंगल माइंड से एक सिंगल ध्येय से काम करते हैं, ना कि मुझे इससे ये मिलेगा ये मिलेगा, ऐसे काम करेंगे तो अच्छा काम कभी नहीं होता। अवार्ड मिलना ना मिलना वो तो लक के ऊपर है, वो हम नहीं, लेकिन जब ये कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है तो एक स्पेशली बहुत खुशी होती है कि जो काम कर रहे उसके लिए यू नो एक रिकग्निशन मिली उसके लिए। मैं जानना ये भी चाहूँगा कि हालांकि आप फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा नाम है, आपका खुद का एक लेबल भी है नचिकेत, आप इंडियन तमाम जो फैशन वीक्स होते हैं उसमें भी आपके कपड़े शोकेस किए जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब इतनी बड़ी फिल्म की जिम्मेदारी आप पर आपको सौंपी गई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, कहीं नर्वसनेस थी, कहीं ये बात झिझक थी कि आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे कि नहीं? हालांकि आपको दो फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का अनुभव था, लेकिन वो मराठी फिल्में थी, छोटे बजट की थी, छोटे लेवल। यू नो क्या चीज़ है ना कि कोई भी आप काम करो, नर्वसनेस मुझे रोज़ होती है, भले आप फैशन की भी बात करेंगे, एक फैशन वीक जब होता है तब भी नर्वसनेस होती है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करेंगे तब भी नर्वसनेस होती है, बिकॉज आप कभी आपके प्रीवियस अचीवमेंट्स के ऊपर निर्भरित नहीं रह सकते। हम जो है नया चैलेंज होता है और नए चैलेंज के लिए उतने ही विगर और उतने ही कॉन्सेंट्रेशन से काम करना पड़ता है। जो मैंने दो मराठी फिल्म की उनको फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला था, इन टर्म्स ऑफ मुझे स्टेट अवार्ड मिला, जी अवार्ड वगैरह कुछ कुछ मिले थे। मेरा एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ सेट, जो फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं जब मैं सेट पे गया था, वो 2011 में एक ब्रांड शूट के लिए गया था जिसमें अमित जी और जया जी थे, और जया जी ने मुझे उनके कॉस्ट्यूम्स दोनों के डिज़ाइन करने को बोला था, और वो मेरा फर्स्ट डे ऑन सेट था, तो
जब आप इतने अच्छे वेटरन से कुछ एजुकेशन पाते हैं। जय जी, और अमिताभ के लिए आपने तनिष्क का ऐड था, उसके लिए आपने कौन सा? हाँ, तनिष्क का ऐड था। मैं उसके बाद फिर उनके जो कल्याण ज्वेलर्स के भी एड्स करता हूँ, तो अच्छा। तो वो जो है बॉलीवुड में कदम रखने से पहले आपको अनुभव है बॉलीवुड सितारों का? लेकिन आप कोई भी काम करेंगे ना, अगर वो आप दिल लगा के करेंगे और उसका एक सिस्टम समझेंगे तो फिर काम अच्छा ही होता है। तो इतनी बड़ी जब फिल्म आई, दो चीज़ें थी, एक तो यू नो ओम राउत जी का फुल सपोर्ट था, बिकॉज अगर डायरेक्टर आप में बिलीफ रखते हैं और आपके जो स्टार्स हैं वो अगर आपके काम को और आपके जो वर्क अप्रोच में बिलीव करते हैं, लाइक इतने बड़े स्टार्स हैं, अजय जी हुए, काजोल जी, सैफ अली खान, शरद केलकर, उन्होंने फुल फ्रीडम दी और फुल फेथ दिखाया कि ऐसा क्यों पहन रहे, क्या पहन रहे, तो वो जो एक होता है ना, वो एक आपको और इनक्रेज करता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी टीम अच्छी है, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला, यू नो जो सेकंड डिज़ाइनर थे महेश शेरला, हमारी की कॉस्ट्यूमर थी पूर्णिमा ओक जी, तो वो सबका, और सारे जब इतने आर्टिजन आपके पीछे होते हैं तो फिर आप एक पार कर लेते हैं। ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आप ओम राउत की जो अगली फिल्म है आदि पुरुष, जो कि एक माइथोलॉजिकल फिल्म है, राम और सीता का किरदार निभा रहे हैं प्रभास और कृति सन्नन और सैफ अली भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप उसमें भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं या और कौन से प्रोजेक्ट हैं? तो आदि पुरुष जो कर रहा हूँ मैं, वो मैंने की हुई है। अच्छा। तो अभी हमारी जस्ट फिल्मिंग ख़त्म हुई ओम राउत के साथ, ओम राउत जी के साथ, उसमें प्रभास राम का किरदार कर रहे हैं, कृति सन्नन सीता जी का इंटरप्रिटेशन है, और रावण इज है, करेक्ट। तो वो उसका वर्ल्ड फिल्म का अलग है, उसका एरा अलग है, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो तानाजी फिर भी रीसेंट हिस्ट्री थी, तो अपने पास कुछ पेंटिंग्स है, कुछ यू नो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। आदि पुरुष आप कहेंगे तो एंशंट हिस्ट्री हुई, यू नो कि उसके लिए माइथोलॉजी बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं। वेल एविडेंस है कि हिस्ट्री थी, तो वो हम डिबेट अलग करेंगे, लेकिन उसके यू नो तो उसके लिए अप्रोच पूरा अलग था। लेकिन जो यूनिवर्स ओम क्रिएट कर रहे हैं वो एक स्टाइलिश लेकिन एक ऑथेंटिक यूनिवर्स करना था, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट प्रभास भी इतने बड़े स्टार हैं लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत आपके काम को एनकरेज करते हैं, यू नो वेरी नाइस टू वर्क विथ। कृति ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टू वर्क विथ, और उन्होंने उनको अब तक उन्होंने ऐसा कभी प्रेजेंटेशन उनकी हुई नहीं है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड। पुरुष के अलावा कोई और फिल्म? पुरुष करके मैंने और एक मराठी मल्टीलिंगुअल फिल्म है, हर हर महादेव, बाजी प्रभु देशपांडे के ऊपर। अच्छा। आ रही है वो दिवाली में आ रही है, तो इट्स कमिंग इन 5 languages, हिंदी, मराठी एंड आई थिंक कपल ऑफ अदर्स। और एक स्लाइस ऑफ लाइफ कंटेम्प्रेरी हिंदी फिल्म की है जिसकी अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं, लेकिन वो फिल्मिंग हो गई है। तो ये तीन तो है अभी, और बाकी फैशन ब्रांड में ही बहुत सारा काम होता है, अभी फैशन वीक आएगा, ये फुल सीजन आएगा, तो इट्स अ बिजी सीजन। चलिए, अभी पुनः से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत रंग लाई, और पहली हिंदी फिल्म में मेहनत रंग लाई, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स और ऑडियंसिस ने जो लव दिखाया है और जो ये अवार्ड आया है, ये तो सोने पर सुहागा है। तो ये थे हमारे साथ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नचिकेत बर्वे, जिन्हें पहली ही हिंदी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और तमाम हिंदी फिल्में आगे जाकर वो करने वाले हैं, जिसमें आदि पुरुष जो ओम राउत की फिल्म है, माइथोलॉजिकल फिल्म है, उसमें भी वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं। इन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि किस तरह से तानाजी के लिए उन्होंने रिसर्च की, डिटेलिंग के लिए वो कहाँ कहाँ गए, दुनिया भर के म्यूज़ियम में गए, और तब कहीं जाकर उन्होंने तानाजी के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP News, मुंबई।